बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाना वीक की दूसरी रेमेडी के साथ हाजिर हैं। हमारी आज की रेमेडी नींद की कमी को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। व्यूअर्स, आजकल के जितने मसले मसाइल हैं उनमें हमारी नींद कहीं खो जाती है, तो मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम रहा है। तो मैंने ये इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं, इवन के मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेती रही हूँ, लेकिन नहीं जी, लेकिन ये रेमेडी इतनी अच्छी हेल्पफुल है कि तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, और ये मैं रोज़ाना यूज़ कर रही हूँ और बेहतरीन। इससे ना मेरा वेट भी लूज़ हुआ है और साथ में फ़्रेश हो जाती हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश। अच्छा जी, इसके इसमें जो इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो है जी, एक बनाना आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है, वॉश करके अच्छी तरह, तो ऊपर और नीचे से इसको रिमूव कर देना। अच्छा, फिर इसमें ना आपने ये दालचीनी की स्टिक्स दो यूज़ करनी नहीं है, और एक ये बादियान का फूल, ठीक है जी, थोड़ा हनी जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं जी। अब हमने बनाना के स्लाइस काट लेने हैं, बनाना के स्लाइस। अच्छा व्यूअर्स, इसको ना इसके साथ ही काटना है, छिलके समेत ही, ठीक है जी। चले अब स्लाइसेस काट के, तो आपने इतना पानी डालना है, दो ग्लास पानी हो जाए तकरीबन। अच्छा जी, अब हमने इसमें बनाना और साथ ही इसमें दालचीनी की स्टिक और साथ ही बादियान का फूल भी डाल देना है, ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब हमने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पकाना है। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। हाँ जी व्यूअर्स, अब ये हमारी बनाना टी होगी तैयार। ये आपने रात को सोते वक्त जब आप बेड पे चले जाएं तो फिर पीनी है। ये अब हमने अपने टेस्ट के मुताबिक अपने हनी में मिक्स कर लिया, ठीक है, और इसको ऐसा ऐसा आराम आराम से आपने पीना है, इंजॉय करते करते, ठीक है जी। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है।